सुप्रभात, मैं रश्मि स्वागत करती हूं आपका देवभूमि इनसाइडर में। रुक करते हैं आज के सुर्खियों की ओर। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। साइक्लोन बिपरजॉय को लेकर अमित शाह ने एनडीएमए और गृह मंत्रालय के अफसरों से ली जानकारी। मुखर्जी नगर में बिजली के तार में लगी आग, धुआं उठने से डरे छात्र रस्सी के सहारे नीचे उतरे, चार जख्मी। कन्नौज में ट्रिपल मर्डर, पति ने डंडे से पीट पीट कर पत्नी, प्रेमी और 5 महीने की बच्ची को मार डाला। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में ब्रिजभूषण को राहत, नाबालिग पहलवान का केस रद्द करने की सिफारिश। एशिया कप की तारीखों का ऐलान, 31 अगस्त से 17 सितंबर तक खेले जाएंगे मैच। ये तो थी सुर्खियां देश और दुनिया की। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की सुर्खियों की ओर। पुरोला में धारा 144 के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन, केशव गिरी समेत कई गिरफ्तार, अब 25 जून को होगी महापंचायत। हाईकोर्ट ने पुरोला महापंचायत मामले पर टीवी डिबेट और सोशल मीडिया का उपयोग करने पर लगाई रोक, सरकार से मांगा 21 दिन में जवाब। 18 जून को देहरादून में मुस्लिम महापंचायत, सख्त हुआ प्रशासन। पुरोला पर ओवैसी का ट्वीट, उत्तराखंड में साजिश के तहत मुसलमानों को बना रहे निशाना, बीजेपी और संघ परिवार का षड्यंत्र बताया। बाबा नीम करौली के कैंची धाम में स्थापना दिवस की धूम, सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। तो ये थी आज की सुर्खियां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप। जय हिंद।